की सरकार इस चीज को लेकर के। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर अगर कहें कि हम तालिबान से चाहते क्या हैं, क्या हम तालिबान से हिंदुस्तान जंग चाहता है या फिर तालिबान के साथ बातचीत चाहता है। तालिबान अगर कंट्री चला रहे हैं, अगर हम जंग चाहते हैं तो फिर हमें पता होना चाहिए, हमारी भारत सरकार का एक स्टैंड होना चाहिए कि भाई हमारा तालिबान को लेकर के स्टैंड क्या है, जो अभी तक क्लियर नहीं है। यहाँ पर बात होती है कि शहजाद पूने वाला जैसे आदमी ये क्लियर तो नहीं करती इनकी सरकार के भाई क्या हमारा स्टैंड है तालिबान को लेकर, या अफगानिस्तान में भारत का हिस्सेदारी क्या रहेगी आने वाले अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन यहाँ नफरत जो है वो कमरे में कम नहीं छोड़ते हैं इस चीज को लेके। राइट, थैंक यू सो मच। और नाजिया इलाही, 30 सेकंड्स आपके, 30 सेकंड आपके, वेट एंड वॉच की स्थिति पे है प्रधान सरकार जी। नाजिया इलाही, 30 सेकंड्स आपके। नाजिया इलाही जी, प्रतीक जी नमस्ते। नमस्ते। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि भाई जो सबसे पहले भैया ने अभी अपना स्टेटमेंट दिया था, तो पश्चिम बंगाल का कामदनी केस भी हम लोग भूले नहीं है, कांग्रेस के जमाने में निर्भया का भी केस हम लोग भूले नहीं है, रिया चक्रवर्ती के लिए जो आपने कहा है, तो आपने नेशनल टेलीविजन पर ड्रग्स लेने वालों का आपने सपोर्ट किया है, दीपिका पादुकोण के लिए जो आपने कहा है, तो उसमें जो मुस्लिम बादशाह के का जो सिनेरियो दिखाया गया था वो भी पूरा का पूरा गलत ही दिखाया गया था, शराबी दिखाया गया था, लूज कैरेक्टर दिखाया गया था, उसमें आपकी आवाज और आपके गले से आवाज नहीं निकली थी। तालिबानी की जहां तक बात है, पश्चिम बंगाल में भी अफगानिस्तानी और तालिबानी यहाँ पर रहते हैं और सूद में पैसा चलाते हैं। अरब के लोग, मुसलमान को मुसलमान से खतरा बे इंतहा है, अरब के लोग चाइल्ड मैरिज आज भी करते हैं, पीरियड्स होने के बाद ही लड़कियों की शादी करा दी जाती है और ये निकाहनामा में लिखा रहता है कि अगर आपको पीरियड्स, आपको महामारी स्टार्ट हो गई है तो आपकी शादी हो सकती है। 35-35 साल के मर्द और 45-45 साल के मर्दों से मुस्लिम कंट्री में, तुर्की में, अरब में, अफगानिस्तान में, तालिबान वाले लोग, ये लोग 50-50 साल के होते हैं और यहाँ पर 15 साल, 16 साल, 14 साल की लड़की से शादी होती है। आप मुझे बताएं कि ये जो रिचुअल को लेकर के चला जा रहा है, इसके अगेंस्ट में, इसके विरुद्ध में बोलना चाहिए और जिस तरह से मुसलमान या हिंदुस्तान को सेव करने की बात करनी चाहिए, अपने भारत को सम्मान देने की बात करनी चाहिए, तो यहाँ पर मनोहर राणा जी उनका सपोर्ट कर रहे हैं जिनके बारे में उनको तफसील में बिल्कुल डिस्क्राइब करना चाहिए था, एक्सप्लेन करना चाहिए था कि यह गलत हो रहा है। आज मुसलमानों को हिंदुस्तान में डर नहीं है जितना मुस्लिम कंट्री में डर है। आज हम यहाँ पर आराम से हिंदुस्तान में रह पाते हैं मुस्लिम लोग। आज जाकर के देखिए मुस्लिम कंट्रीज की क्या हालात हो रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज में मुसलमान लड़कियां खुलकर रह नहीं पाती है, एडुकेशन नहीं ले पाती है, अपने अपने तौर पर नहीं जी पाती है, तो ये सारी गलतियां हैं। और मैं चाहूंगी अपनी सरकार से लेकर के और स्टेट में सरकार हो रही है, वो ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में लाना बंद करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सेफ नहीं है। राइट नाजिया। नहीं पा रही हूँ कि एक्चुअली में ये लोग जो एंटी बीजेपी हैं या एंटी हिंदुस्तान हैं, इनको चाहिए क्या? आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में खाते हैं, हिंदुस्तान में परिवार को महफूज रखने की कोशिश करते हैं और आपको भारत को सम्मान देने में भी बुरा लगता है। डिबेट इज ओपन नाउ। पॉलिसी तालिबान के रिलेटेड नहीं बताई है भारत सरकार ने, अभी ये नहीं बताया तालिबान हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं या के आतंकी हैं, तो देश का लोकतंत्र मुझे इजाजत देता है कि मैं अपना पक्ष आपके सामने रखूं। मैं मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, वन बाय वन जी को समझना चाहिए, इतने समझदार आदमी है, इतने बड़े पॉइंट है, इतने पढ़े लिखे है, तो उनको समझना चाहिए कि एंटी हिंदुस्तान बात नहीं चलेगी। मैडम, एंटी हिंदुस्तान कैसे हो गए? मुझे आप एक बात बता दीजिए, जो नए तालिबान ने तालिबान 2.0 ने भारत के खिलाफ की, एक बात बता दीजिए कि जो गलत की मिलेनियल तालिबान ने भारत के खिलाफ, उन्हें तो मैं बताता हूँ। माजिद हैदरी, एक बात सबसे बड़ी अगेंस्ट तो यही है। मैं एक मिनट, सपोर्ट किया नाजिया, रिया चक्रवर्ती को कैसे सपोर्ट किया? एक माँ की गोद चुरी हो गई, एक बाप परेशान है, आज तक आधा मरा हुआ है, और आप रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहे हैं जिसके बाद
नहीं माना है, माननीय माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे ड्रग एक्ट नहीं माना है, उसके खिलाफ आप एक विच्छेद कर रहे हैं। देश जानता है आपने क्यों किया था, बिहार के इलेक्शन के लिए आपने बंगाल की लड़की को फंसाने की कोशिश की थी। दिल्ली में निर्भया